हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी का सेकंड लेसन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ट्वेल्थ क्लास में ये सेकंड लेसन है जो कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम होती हैं उनमें लगभग इस चैप्टर से 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है। सो अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसे शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा। ओके, सो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम बता दें आप सभी लोगों को कि इस वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन से पहले तक का कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसे 2 से 3 पार्ट में हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ही वीडियो का रहेगा और सेकंड पार्ट जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जनक पौधों द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं या गैमिट्स का प्रयोग कर नए पौधों को जन्म देने की प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होता क्या है इसमें कि जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं उनके द्वारा सेक्स सेल्स को हम गैमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमिट्स स्पर्म एंड ओवम, ये तो अभी सभी लोग जानते हैं। ठीक है, गैमिट्स स्पर्म ओवम होते हैं, पोलन ग्रेन होता है जैसा कि अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओवम होता है। तो ये गैमिट्स या सेक्स सेल्स के द्वारा न्यू प्लांट्स को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहलाती है। पादपों या पौधों में भी नर और मादा जननांग होते हैं, मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, पौधों के ये जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनके ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर या फिर फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है या फिर पुष्पीय पौधे कहते हैं, मीन्स फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ओके, क्योंकि लैंगिक जनन पद्धति द्वारा प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? लैंगिक जनन पद्धति द्वारा, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करते हैं? ये प्रजनन करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आई है कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं, तो हम लोग ये बताएंगे कि ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर आते हैं। क्या आते हैं? फ्लावर। तो ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर आते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, तो बात अब यहाँ पर आती है कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सभी फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म प्लांट, मींस पुष्पीय पौधे अथवा एंजियोस्पर्मिक जो पौधे होते हैं, आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, उनमें सेक्स ऑर्गन उनके फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? उनके फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ज़्यादातर पौधों के फूलों में ही नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। एक ही पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। ऐसे पुष्प नर और मादा युग्मक बनाकर निषेचन को सुनिश्चित करते हैं ताकि पौधों के प्रजनन के लिए नए बीज तैयार हो सकें। अधिकांशतः जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें एक ही फ्लावर में क्या होते हैं? एक ही पुष्प में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, मीन्स मेल का प्लांट जो होता है, ठीक है, जिसमें मेल फ्लावर आते हैं, या वो अलग प्लांट होता है या अलग फ्लावर होता है और फीमेल का अलग होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है। इस फ्लावर की स्ट्रक्चर में जैसा कि हम देख रहे हैं, वैसा आपको सभी लोग बता दूं कि जो फ्लावर होता है इसके इंपॉर्टेंट 2 पार्ट होते हैं जैसा कि भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन्हें हम एसरी और नेसरी पार्ट्स कहते हैं। एसरी पार्ट में होता क्या है कि जो सहायक अंग आते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सहायक अंग आते हैं, जबकि जो नेसरी होते हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आते हैं। ठीक है, तो जो पेटल है और सेपल हैं ये दोनों कैसे हैं? सहायक अंग हैं। ठीक है, स्टैमेन एंड कार्पेल, ये मेल पार्ट और ये कैसा है? फीमेल पार्ट है। ये नेसेसरी पार्ट हैं। कैसे हैं? नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, तो
आगे देखते हैं, पहले फिर इसका इसकी स्टडी करेंगे फ्लावर की। पौधों में लैंगिक प्रजनन के चरण मीन्स डिफरेंट स्टेप जो हैं स्टेप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट है पुष्प नर, पुष्प का नर अंग पुंकेसर स्टेमन कहलाता है। जो प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उसे क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ओके, यह पौधों के नर युग्मक के बनने में मदद करता है। जो पौधों में क्या करता है, मेल गैमीट बनाता है। क्या बनाता है, मेल गैमीट। ओके, और परागकण पोलन ग्रैंड में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, पोलन ग्रैंड में पाया जाता है। जो मेल गैमीट होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, पोलन ग्रैंड में पाया जाता है। ओके, सेकंड देखते हैं पुष्प का मादा अंग कार्पल कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्पल। जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कार्पल कहलाता है, जिसे हम गायनोशियम भी कह सकते हैं। ठीक है, यह पौधों की मादा युग्मकों या अंडकोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। ठीक है, जो फ्लावर के फीमेल गैमिट्स जो हैं उन्हें बनाने में हेल्प करता है। और बीजांड ओब्यूल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, ओब्यूल में। ठीक है, मतलब बीजांड में पाया जाता है। जितने भी मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, ओब्यूल के अंदर पाई जाती हैं, बीजांड में पाई जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन करता है। जो मेल गैमीट होता है वो क्या करता है, फीमेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन करता है। ओके, और इतना इससे पहले वीडियो डाल चुका हूँ, उसे पता है कि भाई फर्टिलाइजेशन होता क्या, फर्टिलाइजेशन होता क्या कि मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे क्या बनता है, जायगोट बनता है। ओके, निषेचित अंडकोशिकाएं ओब्यूल में विकसित होती हैं और बीज बन जाती हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग सेल होती हैं, ठीक है, वो ओब्यूल में विकसित होती हैं और उससे क्या बनता है, बीज बन जाता है। और बीज अंकुरित होकर क्या करता है, नया पौधा बनाता है। ओके, तो होता क्या है कि फर्स्टली क्या होता है कि मेल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, मेल, फ्लावर का मेल पार्ट जो हो गया, ठीक है, उसे हमने क्या कहा, स्टेमिन का, क्या कह दिया, स्टेमिन का। और जो फीमेल पार्ट होता है उसे हमने क्या कहा, कार्पेल का। ठीक है, कार्पेल, ठीक है, स्टेमिन को एंड्रोशियम भी कहेंगे और कार्पेल को हम गायनोशियम भी कहेंगे। ठीक है, इन दोनों में होता क्या, इन दोनों से क्या बनते हैं, गैमिट्स बनते हैं। ठीक है, गैमिट्स बनने का मतलब हो गया कि इससे जो बनता है पोलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, और इससे बनता है एम्ब्रियो सैक। क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, क्या बनता है, इससे एम्ब्रियो सैक। ओके, तो मेल पार्ट के अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है, फीमेल पार्ट के अंदर क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और पोलन ग्रेन के अंदर बनता है मेल गैमीट। क्या बनता है, मेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट बनता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है फीमेल गैमीट। क्या बनता है, फीमेल गैमीट। ठीक है, इसके अंदर क्या बनता है, फीमेल गैमीट बनता है। ओके, अब जब गैमीट बन जाएंगे, मेल और फीमेल गैमीट बन जाएंगे, तो होता क्या, फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, बताया गया है कि भाई मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करते हैं, दोनों फर्टिलाइजेशन करके, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओब्यूल के अंदर इनका डेवलपमेंट हो जाता है, उससे क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। और जब बीज बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यू पौधा बन जाएगा। ओके, तो ये इसकी डिफरेंट स्टेप हैं। आगे हम आपको इसका फ्लो चार्ट लेकर के आएंगे और आपको समझाएंगे इससे। ओके, तो टेंशन मत कीजिएगा, आगे चलते हैं। फ्लावर के अलग अलग भाग मीन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट हैं, फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है हम कहेंगे रिसेप्टिकल। क्या होता है रिसेप्टिकल, या पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाया जाने वाला पुष्प का आधार होता है या रिसेप्टिकल ही होता है, जिससे पुष्प के सभी भाग इससे जुड़े होते हैं। तो रिसेप्टिकल से होता है क्या कि फ्लावर के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो उसी से जुड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेपल्स, सेपल को हम कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ना कैलिक्स, यानी हम कैलिक्स भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है, तो बादल भी कहेंगे इसे, हिंदी में क्या कहते हैं, बादल कहते हैं, और इंग्लिश में कैलिक्स और सेपल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेपल। ओके, तो होते क्या हैं, ये हरे पत्ते जैसे भाग होते हैं जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से मौजूद रहते हैं। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब बादल उनकी रक्षा करते हैं। पुष्प के सभी बादल को एक साथ कैलिक्स कहा जाता है। जितने भी सेपल्स होते हैं उन सबको एक साथ क्या कहते हैं, हम कैलिक्स कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ है कि कैलिक्स की इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, वो क्या हो गई है, सेपल हो गई है।
ठीक है। तो क्वेश्चन आता भी है कि भाई कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, तो कैलिक्स की यूनिट जो होती है वो सेपल होती है। क्या होती है? सेपल, याद रखना है ठीक है। और सेपल जब बहुत सारे होते हैं तो उन सबको क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स में जो याद करने वाली बात हमारी ये है कि फ्लावर का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का, जो पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, कली की सुरक्षा प्रदान करता है, उसे क्लोज करके रखता है ठीक है। जो कली होती है ना, जो ओपन फ्लावर नहीं होता है, तो वो हरे कलर के उसके ऊपर पूरे कवर करके रखते हैं उन सबको, कैलिक्स। बाद में ओपन हो जाते हैं और नीचे लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको लोगों को बता, जो ब्रिंजल होता है, बैंगन होता है, तो बैंगन में जो उसका डंठल होता है उसके चारों ओर जो पांच वो लगे होते हैं हरे कलर के ठीक है, वो कैलिक्स ही होते हैं। क्या होते हैं? वो कैलिक्स होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। पेटल्स, ठीक है, पेटल्स पंखुड़ियाँ, पेटल्स को हम कोरोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला, ठीक है। तो पेटल्स पुष्पों की कलर्ड पत्तियाँ हैं। कैसे हैं? कलर्ड हैं। तो पेटल जो होते हैं किसी फ्लावर में कलर्ड या ब्राइट कलर के स्ट्रक्चर होती हैं। एक पुष्प की सभी पंखुड़ियों को कोरोला कहते हैं, ठीक है। कोई एक फ्लावर है जिसमें चार या पांच जो पेटल्स पाए जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? कंबाइंड फॉर्म में हम कोरोला कहते हैं, ठीक है। फूलों की पंखुड़ियों में खुशबू होती है, ये सेंटेड होती हैं, खुशबू होती है, और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि पोलिनेशन होता है तो ये अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे इंसेक्ट जो होते हैं इन तक, इनके पास आते हैं और यहाँ से पोलन ग्रहण को अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं, जिससे पोलिनेशन होता है। इनका काम पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंगों की रक्षा करना होता है। तो जो पेटल्स होते हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है कि जो एंड्रोशियम और गायनोशियम जो है फ्लावर के सेंट्रल में पाए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा करना होता है। क्या होता है? सुरक्षा करना। ओके, ठीक है। जैसा कि आगे बता देते हैं डायग्राम के थ्रू, आप लोग देख लीजिए इसमें। यस, ठीक है। तो ये हो गया रिसेप्टिकल, ये पार्ट कौन सा हो गया? रिसेप्टिकल होगा, जिससे क्या है, सभी पार्ट फ्लावर के जुड़े हुए हैं। और ये हो गया सेपल। क्या हो गया? सेपल मीन्स कैलिक्स हो गया, जो ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। और ये पेटल हो गए, कैसे हैं? कलर्ड पार्ट है, ब्राइट कलर की स्ट्रक्चर है। तो ये सबसे बाहर होते हैं, फिर उसके अंदर ये होते हैं। सबसे बाहर क्या होते हैं? सेपल होते हैं, फिर उसके अंदर क्या होते हैं? पेटल होते हैं, ठीक है। तो सेपल जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, और पेटल कैसे होते हैं? ब्राइट कलर के होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये रिसेप्टिकल हो गया, जिससे रिसेप्टिकल से होता क्या है कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो उससे जुड़े रहते हैं, जो कि डंठल की तरह थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पेटल तक हम हो गए, ओके। अब देखते हैं स्टैमेन के बारे में। स्टैमेन पौधों का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कैसा पार्ट है? मेल पार्ट है, ठीक है, जो पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होता है, जो कोरोला होता है उसके अंदर उपस्थित होता है, और फूले हुए ऊपरी हिस्सों के साथ इनमें थोड़ी डंठल होती है। पंकेसर के दो पंकेसर जो होते हैं उसको से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो कहने का मतलब जो है, स्टेमिन को हम एंड्रोशियम भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंड्रोशियम भी कहेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम कलेक्टिवली स्टेमिन जो होते हैं, बहुत सारे स्टेमिन होते हैं, उन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम कहेंगे। और एंड्रोशियम जो है स्टेमिन, इसके टू पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फ्लामेंट। तो एक एंथर हो गया, दूसरा क्या होता है? फ्लामेंट होता है, ठीक है। एंथर जो होता है वो थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है। कैसा होता है? थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है। जैसे इस तरह से अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया ये, ठीक है, ओके, ये ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? एंथर हो गया। क्या हो गया? एंथर। और ये क्या हो गया? फिलामेंट हो गया, ठीक है। तो एंथर जो होता है स्टेमिन का फूला हुआ पार्ट होता है, और फिलामेंट जो होता है वो कैसा होता है? थ्रेड लाइक, धागे के समान स्ट्रक्चर होता है। और एंथर के अंदर क्या बनते हैं? छोटे छोटे कण बनते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपी होते हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर दिखाते हैं। देखो ये स्टेमिन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? स्टेमिन का। ओके, तो ये जो पार्ट है फूला हुआ, इसे हमने क्या कहा? एंथर। और ये जो पार्ट है इसे क्या कहा हमने? फिलामेंट। ये हो गया फिलामेंट, ओके, इसे। और इसी एंथर के अंदर क्या बन रहे हैं? पोलन ग्रेन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पोलन ग्रेन बन रहे हैं, ओके। तो ये पूरा पार्ट जो हो गया वो स्टैमिन का हो गया, एंड्रोशियम का हो गया है, ओके। ये फिलामेंट था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कार्पेल, ये फ्लावर का जो है फीमेल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट होता है,
ठीक है, जिसे हम गायनोशियम भी कहेंगे, याद रखना है। ठीक है, अंडप का आकार सुराई फ्लास्क सेप होता है, जो कार्पेल होता है इसका जो सेप होता है वो फ्लास्क सेप होता है, और इसके तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, दूसरा ओवरी और तीसरा स्टाइल और ओवरी, मीन्स तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी थ्री पार्ट होते हैं, ये बात याद रखना है। तो जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, गायनोशियम कहेंगे, और गायनोशियम के थ्री पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और क्या होता है, ओवरी होता है, और ये फ्लास्क सेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्पेल के शीर्ष हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं, इसका जो ऊपरी पार्ट होता है उसे क्या कहेंगे, स्टिग्मा कहेंगे, जो कि चिपचिपा होता है, और पुंकेसर के पराकोष से परागण प्राप्त करता है, मींस जो एंथर होता है उससे जो परागण जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो इस पर आकर गिरते हैं। ठीक है, पराकण स्टिग्मा से चिपक जाते हैं, अंडप का अंडप का होता है इसका जो मध्य भाग होता है उसे स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला फूला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, अंडाशय ऊपरी कहते हैं, जो कि फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। ठीक है, तो यहीं पर बीजांड बनते हैं, जो ओवरी होता है ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, बीजांड बनते हैं, अंडाशय में कई बीजांड होते हैं, जो ओवरी होती है उसमें कई बीजांड होते हैं, और प्रत्येक अंडाशय में पौधों का एक मादा युग्मक पाया जाता है, जो प्लांट्स होते हैं उनका एक फीमेल गैमिट्स पाया जाता है। ठीक है, ओवरी के भीतर मौजूद पौधों का फीमेल युग्मक जो होता है, फीमेल गैमिट जो होता है उसे क्या कहेंगे, अंडा ओवम या डिम्ब कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ओवम कहते हैं, इसीलिए अंडा युग्मक डिम्ब कहलाता है। ठीक है, हम इसी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं, पौधों के मादा अंग को जायांग पिस्टिल भी कहते हैं, इसके अलावा अंडा कई पुंकेसरों से घिरा होता है। अब इसके डायग्राम को थोड़ा पहले मैं समझाता हूँ, थोड़ा समझिए इसे एक तरह से, इस तरह का ये पार्ट होता है, ओके इसका ये वाला पार्ट जो होता है इसे स्टिग्मा कहेंगे, और ये वाला पार्ट जो होता है इसे स्टाइल कहेंगे, और ये फूला हुआ भाग होता है इसे क्या कहेंगे, हम ओवरी कहेंगे। तो ये गायनोशियम है या पिस्टिल है, इसे गायनोशियम भी कह सकते हैं, पिस्टिल भी कह सकते हैं, और कार्पेल भी कह सकते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसके थ्री पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा कौन सा होता है, ओवरी। तो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो कि चिपचिपा होता है, इसे स्टिग्मा कहा गया है। ठीक है, स्टाइल जो होता है पतला होता है, जो ओवरी और स्टिग्मा के बीच में पाया जाता है, और फूला हुआ भाग क्या होता है, ओवरी होता है, क्या होता है, ओवरी अंडाशय होता है। और इसी ओवरी के अंदर जो ये ओवरी है, क्या ये ओवरी, ठीक है, इसी ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूल बनता है, क्या बनता है, ओव्यूल, क्या बनता है, ओव्यूल बनता है। ठीक है, और इस ओव्यूल में फीमेल गैमिट होते हैं, क्या होते हैं, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब डायग्राम को थोड़ा देखते हैं, देखो तो ये वाला पार्ट जो हो गया है, ये स्टिग्मा हो गया, और ये फूला हुआ पार्ट क्या हो गया, ओवरी हो गया, और इन दोनों के बीच में जो ये स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे, हम स्टाइल कहेंगे। ये कार्पेल है, पूरा गायनोशियम है, इसके पार्ट हैं, तीन पार्ट होते हैं दिखाए गए हैं। और इसी ओवरी के अंदर जो ओवरी है, ठीक है, इसी ओवरी के अंदर होता क्या है कि जो ये पार्ट बना हुआ है पूरा, इसे हमने क्या कहा, ओव्यूल का, क्या कहा गया, ओव्यूल। और इसी ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा बना हुआ है, इस पार्ट को हमने फीमेल गैमिट का, क्या कहा, फीमेल गैमिट। तो इस तरह से होता क्या है, जो हमें याद रखना है कि जो कार्पेल जो होता है या फिर गायनोशियम है या पिस्टिल, जो तीनों एक ही नाम होते हैं, जो किसी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, और इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला भाग है, ओवरी फूला हुआ भाग है, और दोनों के बीच में स्टाइल पाया जाता है। इसके ओवरी में ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट बनता है, क्या बनता है, फीमेल गैमिट। इतनी बात हमें याद रखनी है, ओके। तो अब हुआ क्या कि ये फ्लावर के हमने सभी पार्ट पढ़ लिए, और गैमिट्स का फॉर्मेशन पढ़ लिया कि गैमिट्स कहाँ का बनता है। ठीक है, मेल पार्ट के अंदर मेल गैमिट बनेगा, और फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल गैमिट बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कई फ्लावर जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें या तो पुंकेसर होता है या फिर अंडप होता है, मीन्स या तो स्टेमिन होगा या फिर कार्पेल होगा। पपीता और तरबूज के पुष्प जो होते हैं कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ये एग्जाम्पल हैं, याद रखना।
ठीक है। तो अगर यूनिसेक्सुअल एकलिंगी पौधों के नाम पूछें तो हमारा क्या आंसर होगा, पपीता और तरबूज, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, वैसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, याद रखना। क्या कहेंगे, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हिबिस्कस हो गया, सरसों वगैरह हो गए, ये सभी क्या हैं, इनके उदाहरण है बाईसेक्सुअल फ्लावर के। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिनमें केवल एक सेक्स ऑर्गन पाया जाए, या तो एंड्रोशियम हो या फिर अकेला गायनेशियम हो, मीन्स कह सकते हैं या तो स्टैमेन हो या फिर अकेला कार्पेल हो। और कहा जाए भाई बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, तो ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाए जाए, मेल और फीमेल दोनों पाए जाए, उसे क्या कहेंगे, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इतनी बात याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नए बीज बनाने के क्रम में परागण में मौजूद मेल गैमीट बीजाणु में मौजूद मादा यौगिक से मिलते हैं, यह प्रक्रिया दो चरणों में होती है। मींस जब आगे की प्रोसेस बनेगी, जब बीज का फॉर्मेशन होगा, तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद होता क्या है कि दोनों ही गैमिट्स आपस मिलते हैं, ठीक है। जब दोनों ही गैमिट्स आपस मिलते हैं, ठीक है, तो किस तरह से मिलेंगी, दोनों गैमिट्स आपस में किस तरह से पहुँचेंगी, तो जब दोनों गैमिट्स आपस में एक दूसरे के पास पहुँचते हैं उसे कहेंगे पॉलिनेशन। जिस तरह से पहुँचते हैं उस प्रोसेस को कहेंगे, कैसे कैसे करके पहुँच रहे हैं, हवा के थ्रू पहुँच रहे हैं या कोई इंसेक्ट के थ्रू पहुँच रहे हैं, ठीक है, कोई एनिमल्स के थ्रू पहुँच रहे हैं, पानी के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। मींस मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट तक जाता है तो किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, उसे कहेंगे हम परागण, मींस पॉलिनेशन। और जब दोनों पहुँच जाते हैं फिर दोनों जुड़े जाते हैं, आपस फ्यूज हो जाते हैं, तब उस प्रोसेस कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, तब से क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओके, तो होता क्या है इसमें कि जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पहले पॉलिनेशन होता है या फिर पहले फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमारा आंसर होता है पहले पॉलिनेशन होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में पॉलिनेशन से पहले पहले तक का कवर किया है, ठीक है। मींस फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उनमें मेल गैमेट कहाँ का बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इतना हमने कवर किया है। ओके, तो आगे नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम पॉलिनेशन से कवर करेंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।